WDP-4B नंबर है इस लोकोमोटिव का। तो गाइस ये है हमारी एच क्लास, ये है हमारा प्राइवेट। थैंक यू गीता ना, गीता मेरे लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, केम छो, प्रणाम, और मेरी धर सेना को धर भाई की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सम्मान। तो गाइज आज है 19 तारीख और अभी हो रहा है सुबह के 9:15 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और आज हमने वापस जाना है दिल्ली, जो कि हमारी ट्रेन है रात को शाम को 6:25 की। तो आज जो आपको हम जर्नी दिखाने वाले हैं, पूरी ट्रेन की जर्नी दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं उस ट्रेन के बारे में बताएंगे आपको। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हमारा जो भी सीन रहेगा, जहां भी आपका धर भाई जाएगा आपको लेके चलेगा। तो गाइस फाइनली अपना चेकआउट हो गया और ये हम अपना सामान लेके बाहर जा रहे हैं। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे। तो ये अपना रेडिसन, बाय बाय कर दो रेडिसन को, टाटा रेडिसन। तो अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। जोधपुर को हम बाय बाय करते हुए जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और अब स्टेशन में जाके अपना सामान रखेंगे और फिर थोड़ा सा कुछ खाने पीने जाएंगे और फिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो गाइस फाइनली हमने सामान रख दिया अपना, अब हम स्टेशन से बाहर आए हैं और हम जा रहे हैं कहीं पे कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद वापस फिर स्टेशन आएंगे। तो गाइस स्टेशन के पास है कलिंगा होटल और यहीं जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो गाइस खाना हमारा हो गया है, कैसा लगा खाना? खाना अच्छा लगा, हमने थोड़ी शॉपिंग करी। तो अब हम आ गए हैं मॉल, ये मतलब 10 मिनट की दूरी पे है स्टेशन से आशापूर्णा मॉल। कोई भी जोधपुर आए तो यही सबसे अच्छा मॉल लगा मुझे यहाँ पे आशापूर्णा। इसके अलावा सब छोटे छोटे से मॉल है, ये भी छोटा ही है बट ठीक है शॉपिंग वॉपिंग के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं गेम्स खेलने, आज बहुत टाइम बाद यहाँ पर गेम्स खेलेंगे और ये इनने बोला गेम खेलने के लिए। तो गाइस फाइनली हमने पूरी गेम्स खेल ली और ये देखो मैंने इसको गिफ्ट लेके दिया, मैं जीता वहाँ पे। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपना रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है। तो स्टेशन में एंट्री हमने ले ली है और अब हम यहाँ खड़े हो गए, आके देख रहे हैं कहाँ है हमारी ट्रेन और हम जाते हैं फिर अपने प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस ये इसका लोकोमोटिव है आपका, 4085 इसका नंबर है। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है कि नंबर होता क्या होता है, बट पूरा ऐसा ही ये ट्रेन का इंजन है यहाँ पे, जिसको हम लोकोमोटिव भी बोलते हैं। तो आज जो हमारी जर्नी रहने वाली है भाई, वो जोधपुर से सराई रोहिला दिल्ली रहने वाली है। तो गाइस गेट खुल चुका है, अब हम दिखाते हैं आपको इस ट्रेन के इंटीरियर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो WC आपका है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे आपका इंडियन स्टाइल में है। तो यहाँ पे आपका गेट है जो बंद है और यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो ये है इधर की लुक, बहुत ही शानदार बना रखी है। तो गाइस ये है हमारी एच क्लास, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी पेंटिंग्स लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ब्रेक ग्लास वाला वो भी दिया हुआ है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि ये कूपे है जिसमें 4 सीट्स होती है। आ जाओ, तो ये है हमारा डबल कूपे जिसमें यहाँ भी सीट है, यहाँ भी सीट है, यहाँ भी सीट है, यहाँ भी सीट है। तो अंदर आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें इस कूपे की, तो यहाँ पे आपका स्विच दिया हुआ है लगाने के लिए, यहाँ पे बेल दिया हुआ है अटेंडेंट को बुलाने के लिए, फैन बंद कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी बेल दी हुई है, यहाँ आपकी चेन दी हुई है, ऊपर एक फ़ैन यहाँ पे दिया हुआ है
ऊपर एक फैन यहाँ पे दिया, ये डबल वाला है। और अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से स्टेयर्स दी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, सेम यहाँ से भी ऐसे है। यहाँ पे आपका वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ बाहर थोड़ा सा, जिससे आपको सांस आने में दिक्कत ना हो। तो ऐसा सा कुछ पूरा कूपे है। तो अब बाकी हमारा कूपे, जो प्राइवेट कूपे जिसको हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से दो सीट्स हैं। आ जाओ, ये है हमारा हमारा प्राइवेट कूपे। देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही सीट्स हैं, एक ऊपर जहाँ पे मैं सोऊंगा, एक नीचे जहाँ पे धरबा भी सोएगी, क्योंकि भाई सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हमारा सामान पड़ा है, अवॉइड करना। ये हम गिफ्ट जीते हैं आज वहाँ पे गेमिंग करने गए थे वहाँ से। और यहाँ पर भी सामने एक बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ पे आपका रैक है सामान रखने का, यहाँ पर भी सेम है, ऊपर चेन दी हुई है, यहाँ पर बेल दी हुई है अटेंडेंट के लिए, चार्जिंग के लिए पोर्ट्स दिए हुए हैं, फ़ैन का, नाइट लैम्प का, और उसका स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे एक शीशा दिया हुआ है जहाँ आपको धरबाई दिख रहा है, और यहाँ पे आपका एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है जो कि पूरा जेट ब्लैक फिल्म का है, जिससे बाकी अंदर धूप नहीं आती है। और एक बार आप बैठ के दिखाओ यहाँ पे, ये इसमें आर्मरेस्ट के लिए दिया हुआ है, ताकि आप यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो या कुछ भी रखने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर दिया हुआ है, कर दो ऊपर उसको। तो ये इसकी लुक एंड फील थी इस कूपे की। सबसे चीज़ इसमें ये होती है, ये प्रॉपर बंद हो जाता है यहाँ से, तो हम बिल्कुल अंदर जो है वो प्राइवेट हो जाता है। बाकी आगे से ट्रेन कुछ ऐसी सी है, और ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग कूपे दिए हुए हैं, और पेंटिंग्स हर जगह आप देख सकते हो। ये हवा महल प्रॉपर, यहाँ भी आर्ट एंड दिया हुआ है। और इस तरफ में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपका नहाने के लिए बाथ दिया हुआ है, यहाँ पे हम नहा सकते हैं, जो कि इतना साफ नहीं है, बट नहाने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका WC दिया हुआ है। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो मैं कोई इतना ट्रेन वाला मतलब बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हर ट्रेन के बारे में मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मेरी ये पहली अटेम्प्ट है कि मैं आपको दिखाऊँ ये ट्रेन हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी जोधपुर से दिल्ली की तरफ। तो जो ये ट्रेन है, इसका जो नंबर है वो है 22481, जो कि जोधपुर दिल्ली एक्सप्रेस, जोधपुर सराय रोहिला दिल्ली एक्सप्रेस इसका नाम है, जो जोधपुर से सीधा सराय रोहिला जाती है। गाइस मैं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे उतना पता नहीं है, इसलिए कोई गलती ना हो इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन एकदम सही पहुंचे आपके पास। तो इस ट्रेन में जो क्लासेस हैं वो है फर्स्ट ए, जिसमें हम बैठे हैं, H1 जिसे हम बोलते हैं, फिर सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल, जो जाके आप किसी में भी बैठ जाते हो, कोई भी डब्बा ले लेते हो, तीन चार इसमें डब्बे हैं जनरल के। और सबसे बड़ी बात है ये ट्रेन डेली बेसिस पर चलती है, हर दिन चलती है ये ट्रेन। और जो इसका टोटल टाइम है, ट्रेवल का टाइम है जो इसका, वो इसका 10 घंटे 35 मिनट है। मतलब यहाँ से चलेगी 6:25 पे और वहाँ पहुँचा देगी आपको सुबह 5 बजे के अराउंड, टोटल 10:35 का इसका ट्रेवल है। और इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है इसकी 57 से 65 के बीच में, क्योंकि स्टेशन काफ़ी हैं इसमें। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहती है। और भाई जो इसमें मैं बता सकता हूँ, इसमें पेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इस ट्रेन में कभी भी आएंगे तो आपको अपना खाना लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पेंट्री अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने खाना पैक कराया है, जहाँ पे हमने लंच किया था वहीं से हमने डिनर भी पैक करा लिया, तो हम यहाँ पे अपने प्राइवेट कूपे में आराम से बैठ के खा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। पानी ले लिया, खाना ले लिया, ऐसे ही जो भी बंदा इस ट्रेन में है ज़रूर सारी चीज़ें देख के आए। तो यही था भाई इस ट्रेन का, जितना भी मेजर चीज़ें थी इस ट्रेन के बारे में आपको सब बता दिया। बाकी अब जो जर्नी हमारी रहेगी ट्रेन में दिल्ली तक की, वो आपको हम दिखाएंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। तो गाइस इनने अभी हमको ये दो ब्लैंकेट दिए हैं, जो कि मैं लेता नहीं, मुझे वो चुभते हैं ये, तो मैं नीचे बिछा देता हूँ इनको। और ये नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे की तरफ से हमें दो, जिसमें अंदर आपका दो शीट होती है और एक टॉवल होता है। ठीक है भाई, हाइजीन थोड़ा सा सही करके दे रहे हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम रहती है इनकी हाइजीन में। तो अब अपना यहाँ पे हम आराम करेंगे, आराम से बैठेंगे, अब आपसे मिलेंगे हम सीधा खाना खाने के टाइम पे।
गाइस ट्रेन अपनी मस्त स्पीड में चल रही है और हमने अपना डिनर खोल लिया है और ये है हमारा चिकन मसाला और राइस का हमने पूरे बाउल लाए हुए हैं। तो एकदम मस्त खाना हमने रेडी किया हुआ है, अभी खाना खाते हैं फटाफट और फिर सोएंगे और सुबह मिलेंगे आपसे दिल्ली में। तो गाइस फाइनली 5:20 हो गए हैं और हमारी ट्रेन अभी अभी सराय रोहिला के अंदर एंटर कर चुकी है। बाहर पता नहीं लाइट होगी नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा यहीं पर वीडियो को एंड कर देते हैं। तो ये सफ़र था हमारा, ज़्यादा सफ़र आपको दिखाया नहीं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ ट्रेन की देनी थी मेन जो मैंने आपको दिखा दी, बाकी रात का सफ़र था तो मैं इतना कुछ दिखा नहीं सकता था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और भाई सब्सक्राइब कर देना और भाई घंटा दबा देना। घंटा दबाते हो तो दर भाई की वीडियो सबसे पहले कब आती है आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ऐसे ही दुआ में याद रखना। गुड बाय। So